झगड़ लो उसको और तेज से झगड़ो उसको, झगड़ो उसको और तेज से झगड़ लो, झगड़ लो उसको और तेज से झगड़ो उसको, झगड़ लो उसको और तेज से बंद करो, झगड़ो उसको और तेज झगड़ो, बंद के डाल दो उसको, बंद डालो उसको तेज से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बंद डालो उसको और तेज बंदो, बहुत फालिज मारने लगा रहा था उन्हें, लखवे की बीमारी डाला था, बंदो उसको तेज बंद डालो, झगड़ लो उसको और तेज झगड़ो, झगड़ लो उसको और तेज झगड़ो, उसको टुकड़े करेंगे उसको, झगड़ो उसको और तेज, नालायक तेरे बाप का राज चल रहा था लोगों को ऐसा परेशान करने, झगड़ो उसको और तेज से, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاتح السماوات والارض ظالم الغبش ابن عند الرحمن الرحيم اللهم اني احد اليك في هذه الحياه ما شاء الله الا اله انت وحدك لا شريك لك اشهد ان محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الله نصف عينك انت كلني الله نفسي تخرب من شر واني لا تكل الله برحمتك فاجعلني عند غنطف اليوم قامت انك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى صحابه ادمان برحمتي يا ارحم الراحمين جگڑو اس کو اور تیز سے یہ کو اللہ یہ کو فانی دے رہے لگاؤ اس کے پیٹ میں سے آگ لگاؤ بات مت کرو نگلاو کٹ کر کے جگڑو اس کے پیٹ میں سے اور تیز جگڑ لو کوئی اناج میں باندھے نہ رہے ہاں झगड़ो उसको और क्या क्या कर रहा था और क्या कर रहा था बहुत हैरान कर रहा ना हाँ हाथों पांव तूने टेढ़ा करा था कराना अच्छा और क्या करा मेरे जानवर बछड़े को तक सुकून नहीं देने देता अच्छा झगड़ो उसको और तेज झगड़ लो झगड़ो उसको और तेज से मेरे जानवर को जकड़ लो उसको और मारो उसको नालायक लगाओ उसके अंदर तेजी से आग लगाओ उसके पेट में से भी आग लगाओ तेजी से आग लगाओ अल्लाह अल्लाह जकड़ो उसको और तेज जकड़ो यहाँ क्या था खत दिया रे मुझे बोलने की ताकत तेरे बच्चे ना रे तूने यहाँ कुदरत का निजाम चलता है यहाँ तेरे बाप का राज चल रहा था दुनिया में लोगों को फालिज की बीमारियों पर डाल दे रहा था उसको लखवे की बीमारी पर डाल के उसको खत्म कर रहा था बाप का तेरा चल रहा था झगड़ो उसको और तेज झगड़ो झगड़ो उसको अल्लाह अल्लाह हाँ चल बोल कब मारने आते उसको अम्मास में पुन्नम में क्या नाम है उनका बड़ी बीघा भाइयो भी को कब मार रहे थे जइयो भी भाइयो भी भाई ऐसा कैसा नाम मिला नहीं क्या भाइयो भी को कब मार रहे थे कब मारने वाला था उसको हाँ अच्छा तो अम्मास में मार रहा था पुन्नम में मार रहा था उसको सही सही बोल अच्छा अम्मास में मार रहा था पुन्नम में मार रहा था सही सही बोल जल्दी झगड़ो उसको झगड़ो उसको और तेज झगड़ लो उसको तुम क्या समझ रहे थे बीमारी समझ रहे थे क्या प्रॉब्लम हो रहा था उनको प्यारलेस डॉक्टर प्यारलेस बता रहे थे हाथा पांव टेढ़े हुए थे रिपोर्ट कहाँ है उनकी बताओ रिपोर्ट दवाखाना में लिख गए थे हाजिर हुआ इससे पहले कहीं झगड़ो झगड़ो उसको बन के डालो उसको तेजी से बांधो उसको कस के बांधो इधर लाओ रिपोर्ट खोलो रिपोर्ट बताओ अनाज नहीं ना मुझे पचास दिन हो गए हाँ बांधो उसको और तेज बांधो उसके बाप का राज चल रहा था उसके नालायक के हाँ ऐसा लोगों को मारता उन्हें फालिश की बीमारी डाल के मारता रिपोर्टों में से बीमारी बता रहा असल में ही नहीं बैठा था छुप के अंदर उसको छुपने का नई दुनिया में लाके उसको लेट में लाके छोड़ो मत उसको और तेजी झगड़ो उसको मैं उस
इसका तो पूरा हंसा करो। ये लग गए थे तुम कहाँ लग गए थे पड़ा निकालने को? अल्लाह क्या आया रिपोर्टों में बता? अच्छा देखे के अंदर शैतान बड़े अल्लाह। इससे पहले कहीं हाजिर हुआ वो? कहीं नहीं, पहली बार है। अच्छा दुआ पानी नहीं करते कहीं? ऐसा कर रहे थे उनको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा था। अच्छा अब देखे ना अब यहाँ कैसा हाजिर हुआ शैतान था बड़े अल्लाह। जकड़ लो उसको और तेज से जकड़ो। उसके बाप का राज चल रहा लोगों के हाथा पुआ मुआ टेढ़े करके कर रहा हूँ उसको ज्यादा तकलीफ दो रही है। मारो उसको खूब और क्या कर रहा था रे तू? सही सही बोल ना तो भी पूरा जला दूंगा। और क्या कर रहा था कम वक्त? और क्या करा? जकड़ो उसको कमजोर करके भस्म करो। हाँ पिलाओ पिलाओ हम तो उल्टी दवा निकलती बार पिलाओ निकलाओ घट करके कम वक्त को ना लायक को पेट में बट के मनमाना कर रहा। अरे उल्टी तो बहुत है ना। अच्छा कहे में मिला के खिलाए थे उसको? सही सही बोल बच्ची क्या बिगाड़ी थी उसने? कहे में मिला के खिलाए? कहे में मिला के खिलाए थे? साईं बोल और मारो उसको नालायक को जकड़ लो उसको तेज से। तुम लोग हाँ बीमारी समझ रहे थे कोई बीमारी बीमारी नहीं देख लिए शैतान ने खिला के छोड़े आला। वो मेरे मुंह से तो नहीं बोलूंगा मैं, अब बाद में दूसरे राउंड में उसके मुंह से सब पूछा दूंगा। अभी तुम्हारा सरसरी मुताला बता दिया मैंने, खाली मैं पढ़ने से पहले हाजिर होगा ना वो देख लिया तुमने खुद। ओ उसको सब पूरा सब खाना नहीं अल्लाह खैर अल्लाह के करम से यहाँ तो सब राइट कर देते। जकड़ो उसको नालायक और जकड़ के रखो उसको। अब वो क्या बोलते तो फाइल उदालो भूल के जाएंगे, लेके जाओ फाइल वो। एंड दूसरी बात उनका कुछ सामान वो लिखा देंगे दुकान लाना वो जाके हमला करना। फिर दूसरे राउंड में उन्हें सब बोलेगा कौन डाला क्या डाला। चल रहे कमबख्त जा और जाके सब नामा याद कर क्या किसने मिला के खिलाया था, कई में मिलाए थे, कौन छोड़ा था, कब जादू करे थे, क्या लिख गए थे जादू चलाने, कौन सा जादूगर था, हिंदू था मुसलमान था, कितने पैसे दिए थे उसको, सब याद करके आके मेरे को दूसरे चक्कर में सुनाना। अगर नहीं सुनाना तो पूरे टुकड़े करके भस्म कर दूंगा। एक मौका दिया मनते को। हालांकि आज बंद था छुट्टी थी मगर फिर भी सब इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट आए वाले देखो बोले तो देखने को आए सुबह से फिर भी देखने लगा रहे लोग मेरे को कभी छुट्टी नहीं रहती मेरे पास। पानी डालो हाथ में मेरे को। क्या नाम उनका? चलो खैर अब उनको दुआ का पानी पिलाओ करो। और दूसरी बात वो क्या है चूड़ियां फूटे क्या? इस वास्ते मैं बोलता चूड़ियां पहन कर नहीं आना, चूड़ियां पहनना नहीं। जो भी पेशेंट अंदर आता हाथ में चूड़ियां नहीं रहना, कान में बालियां नहीं रहना, हाथ में अंगूठियां नहीं रहना, क्योंकि उससे नुकसान जिसके आंग में आता उसका भी हो सकता है और दूसरों को भी चुभ सकते हो। इस वास्ते मना करता मैं। कहाँ से आए थे तुम लोग? पिलाओ उनको और दुआ का पानी। चलो ठीक है। क्या नाम है उनका? भैया भी। अच्छा एक महीने से तबीयत खराब थी? हाँ एक महीने से। क्या हो रहा था उनको? प्यार में सहवा बोले थे उनको, जैसे हवा गई बोले थे, दवा खाने इतने लेके फिर सिर में की नस दबी ये सब बोले थे डॉक्टर। हाँ डॉक्टर अब देखे ना तुम्हारे आंखों से देखे ना तुमने क्या है तो देखे हमने। क्या देखे अभी तुमने? यहाँ हमने देखे करे वो आए करके आया था ना अभी आंग में बीमारी समझ रहे डॉक्टर हाँ सब मशीनों में रिपोर्टों में सब बीमारी आ रही मगर असल में बीमारी नहीं थी वो ये था अंदर बटियाला लाई इसको पकड़ के आ गया निकल गया। खैर अल्लाह करम से नमाज वो आती क्यों उनको पढ़ने नमाज वो पढ़ाओ कुरान में पढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा नमाज छोड़ते दरूद शरीफ पढ़ाओ उनको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर। खैर अब क्या बोलते हैं करेंगे सब राइट। क्या हाल होगा कुछ और कुछ खजाना लेके नहीं बैठी ना एक महीने से खजाना लेके बैठी काढ़ा कहाँ कर रहे हैं के ऐसे काढ़ा से ना दवा खाने क्यों कहाँ गए हो? अल्लाह
चलो खैर अब अल्लाह करम से पूरा राइट करा देते, जिस तरीके उस तरीके से अमल करो सब दुरुस्त करा देते हैं।